जय हिंद। गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या कामकाज किए। आज के सेशन से हम पढ़ेंगे गांधी इन इंडिया के बारे में। गांधी जी इंडिया वापस आएंगे जनवरी 1915 में, और इंडिया वापस आने के बाद गांधी जी हमारे नेशनल मूवमेंट को एक नई डायरेक्शन देंगे। गांधी जी की लीडरशिप में हमारा नेशनल मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उस सब के बारे में अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। अपने इनिशियल फेज़ में इंडिया वापस आने के बाद गांधी जी ने तीन छोटे छोटे स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया, जिनके बारे में आज अपने को पढ़ना है। एक तो हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। इन तीनों चारों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। ये तो हमें पता है कि गांधी जी इंडिया वापस कब आए, जनवरी 1915 में। कब वापस आए? जनवरी 1915 में। बट गांधी जी जब इंडिया वापस आए तो ही वॉज ऑलरेडी अ वेल नोन फेस। इंडियंस मासेस उनके बारे में जानते थे, बिकॉज गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो भी कामकाज किए थे उनकी खबर, उनकी रिपोर्ट इंडियंस तक पहुंच रही थी, मासेस तक पहुंच रही थी। इनफैक्ट मासेस ये जानना चाहते थे कि ये गांधी नाम का इंसान कौन है जिसने साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ को झुकाया है। मतलब एक तरीके से मासेस गांधी जी में ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे, और इस बैकड्रॉप में गांधी जी इंडिया वापस आते हैं जनवरी 1915 में। और वापस आने के बाद गांधी जी मिलते हैं अपने पॉलिटिकल गुरु जी के गोखले साहब से और बोलते हैं कि बताओ क्या करना है। जी के गोखले साहब ने गांधी जी को एडवाइस किया कि अभी आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट मत करो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार पूरा कंट्री घूम लो, टूर कर लो, देख लो कि देश की हालत क्या है। और गांधी जी ने इस एडवाइस को मान लिया। अगले एक साल तक गांधी जी पूरे कंट्री का टूर करेंगे, गांव गांव जाएंगे, शहर शहर घूमेंगे, और देखेंगे कि हमारे मासेस की कंडीशन क्या है, देखेंगे कि हमारे लोगों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, देखेंगे कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। और इस एक साल में गांधी जी किसी भी पार्टी में किसी भी पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे गांधी जी। एक तो गांधी जी को ये समझ में आ गया कि हमारे मासेस की कंडीशन क्या है, दूसरा गांधी जी को ये भी समझ में आया कि हमारे कंट्री में जो मॉडरेट पॉलिटिक्स चल रही है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। मॉडरेट लीडर्स जिस हिसाब से लड़ाई को लड़ रहे हैं उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, और इन लिमिटेशंस के साथ में सरकार को झुकाया नहीं जा सकता है। इसी दौरान एक बेहद पॉपुलर मूवमेंट चल रहा था, होम रूल एजिटेशन। गांधी जी इस होम रूल एजिटेशन के भी फेवर में नहीं थे, बिकॉज गांधी जी का ये मानना था कि वॉर चल रहा है और वॉर के टाइम में हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में एजिटेशन नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें, एक तो गांधी जी को ये समझ में आ गया कि मासेस को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दूसरा गांधी जी को ये समझ में आ गया कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, और तीसरा गांधी जी ने मासेस को बहुत क्लियरली ये बताया कि स्ट्रगल का सिर्फ एक तरीका है और वो है नॉन वायलेंट सत्याग्रह। इनफैक्ट कोई भी ऐसा मूवमेंट जो कि नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था, गांधी जी उसके साथ में खुद को एसोसिएट भी नहीं करना चाहते थे। बहुत सिंपल, एक तो गांधी जी को ये समझ में आया कि हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम समझ में आ गई हैं तो आगे लड़ाई कैसे लड़नी है उसको समझना इजी हो गया, दूसरा गांधी जी को ये समझ में आया कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और तीसरा गांधी जी ने बहुत स्ट्रांगली अपना मैसेज डिलीवर किया और मासेस को ये बताया कि स्ट्रगल का सिर्फ एक रास्ता है और वो है नॉन वायलेंट सत्याग्रह। मतलब एक तरीके से प्लेटफॉर्म को ले डाउन कर दिया गया इस टूर के थ्रू। और इसके बाद 1917-1918 में गांधी जी तीन छोटे छोटे स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, एक चंपारण में चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा खेड़ा में खेड़ा सत्याग्रह। और इसके बाद गांधी जी लॉन्च करेंगे द मेजर राउलेट सत्याग्रह। राउलेट सत्याग्रह के बारे में बातचीत अपन करेंगे अगले सेशन में, लेकिन उससे पहले आज अपन बात कर लेते हैं चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के बारे में। देखो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में, और ये गांधी जी का इंडिया में पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह की कहानी क्या है? राजकुमार शुक्ला जो कि एक लोकल हुआ करते थे चंपारण के, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया, उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी, उन्होंने बताया कि हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारे पीजेंट्स को इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, आप आओ और हमारी मदद करो। एक सवाल ये भी है कि पीजेंट्स को इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स क्यों किया जाता था? बिकॉज
इंडिगो जो है वो डाइंग के काम में आता था। जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके लिए इंडिगो बेहद इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल था। और हमें ये पता है कि यूरोप में 1750s के बाद से ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग रहे थे। इन इंडस्ट्रीज़ में इंडिगो बेहद इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल था, इसलिए यूरोपियन प्लांटर्स पीजेंट्स को फोर्स करते थे इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए। चंपारण में एक सिस्टम चलता था, सिस्टम का नाम क्या था, तिन कटिया सिस्टम। और इस सिस्टम का नाम और काम दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। तिन कटिया सिस्टम के तहत क्या होता था, यूरोपियन प्लांटर्स पीजेंट्स को फोर्स किया करते थे कि पीजेंट्स अपने टोटल लैंड के 3/20 पार्ट के ऊपर इंडिगो का कल्टिवेशन करें। तिन कटिया सिस्टम क्या है, पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने टोटल लैंड के 3/20 पार्ट के ऊपर इंडिगो का कल्टिवेशन करें। और पीजेंट्स ये इंडिगो का कल्टिवेशन क्यों नहीं करना चाहते थे, उसके पीछे दो तीन रीजंस हैं। एक तो इंडिगो के कल्टिवेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, सॉइल की क्वालिटी खराब होती है। दूसरा, इंडिगो के जो प्राइजेस थे उनको यूरोपियन प्लांटर्स अपने हिसाब से फिक्स करते थे। अब सोच के देखो, अपने हिसाब से प्राइजेस को फिक्स करेंगे तो पीजेंट्स के बारे में सोचेंगे या अपने बारे में सोचेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है अपने बारे में सोचेंगे। और तीसरा, एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हुआ 19th सेंचुरी के एंड में, जर्मन सिंथेटिक डाई को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और ये जो डाई थी ये सस्ती थी, इसकी क्वालिटी भी बढ़िया थी, और इसने इंडिगो को रिप्लेस करने की शुरुआत कर दी। अब जब इंडिगो को रिप्लेस किया जाएगा तो यूरोपियन प्लांटर्स को प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, बट ऑब्वियसली बात है लॉस होगा। और इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए यूरोपियन प्लांटर्स ने पीजेंट से हाई रेंट डिमांड करने की शुरुआत कर दी, उनसे अलग अलग ड्यूज डिमांड करने की शुरुआत कर दी। मतलब जो लॉस हो रहा है उसकी भी भरपाई कहाँ से की जा रही है, पीजेंट से की जा रही है। हर एक तरीके से पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इस बैकड्रॉप में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इन्वाइट किया, गांधी जी से मदद मांगी, और गांधी जी ने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। गांधी जी पहुंचे चंपारण, और गांधी जी ने चंपारण पहुंच के पीजेंट्स को अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया। और गांधी जी बड़े लीडर थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को गांधी जी के पोटेंशियल के बारे में पता था। जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचे, अथॉरिटीज़ ने गांधी जी को बोला कि आप यहां से चले जाओ, अदरवाइज़ आपको पनिश किया जाएगा। बट गांधी बीइंग गांधी, गांधी जी ने मना कर दिया, गांधी जी रिफ्यूज्ड। और गांधी जी ने बोला कि आपको मुझे जो भी पनिशमेंट देना है आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन मैं पीजेंट्स को सपोर्ट करूंगा, मैं इनके कॉज को सपोर्ट करूंगा। इस चंपारण सत्याग्रह के दौरान वो लीडर्स जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया उनके नाम क्या हैं, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेवी कृपलानी। बेसिकली ये एक तरीके से पहले वो लीडर्स हैं जो कि गांधी जी को सपोर्ट करने की शुरुआत करेंगे, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये गांधी जी के साथ रहेंगे। वो लीडर्स जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, उनके नाम राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेवी कृपलानी। अच्छा, गांधी जी का मेथड बड़ा यूनिक है, पीजेंट्स को यूनाइट कर रहे हैं और पीजेंट्स को बोल दिया है कि देखो नॉन वायलेंस रहेगा, कोई लड़ाई दंगा नहीं करेगा। और ये अपने आप में यूनिक बात है। सोचो आपके गेट के बाहर कोई आके बैठ गया, शांति से बैठा हुआ है, आप उससे पूछ रहे हो कि भाई क्या चाहिए, कुछ नहीं बोल रहा है, शांति से बैठा हुआ है, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे उसको, इनफैक्ट आप परेशान हो जाओगे कि यार समस्या क्या है। कोई आए आपके गेट के बाहर, दंगा करे, फसाद करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो आप हो सकता है धक्का मार दो, तो हो सकता है आप उसे भगा दो, तो हो सकता है आप पुलिस को फ़ोन कर दो। लेकिन एक आदमी रोड पे आके शांति से बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप खुद लाचार हो जाओगे, देखते रहोगे कि यार ये कर क्या रहा है। और वही सेम कर रहे थे गांधी, कि पीसफुली शांति से लंबे चौड़े पीजेंट्स को लेके बैठे हुए हैं और अपनी डिमांड्स रख रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के सामने, गवर्नमेंट करे तो करे क्या। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया। चंपारण में पीजेंट्स के साथ में जो भी गलत हो रहा था उसको इंक्वायर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये जो इंक्वायरी कमीशन थी इसके एक मेंबर खुद गांधी भी थे, और गांधी जी ने अथॉरिटीज़ को कन्विंस किया कि ये जो तिन कटिया सिस्टम है इसको अबॉलिश किया जाना चाहिए, ये गलत है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, और लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए जो पीजेंट्स के ऊपर हाई रेंट लगाए गए हैं, जो ड्यूज कलेक्ट किए गए हैं, उसके बदले में पीजेंट्स को कंपनसेट किया जाना चाहिए। ये जो इंक्वायरी कमीशन है इसने गवर्नमेंट को, इसने अथॉरिटीज़ को गलत बताया, और इसने तिन कटिया सिस्टम को अबॉलिश किया और पीजेंट्स को 25% कंपनसेशन देने की बात कही। मतलब एक तरीके से
गांधी जी की इंडिया में पहली बैटल सक्सेसफुल रही। आउटकम क्या निकला कि तीन कटिया सिस्टम अबॉलिश हो गया और पीजेंट्स को 25% कंपनसेशन भी मिला। बेसिक दो तीन चीज़ें याद रखनी है। गांधी जी को किसने इन्वाइट किया? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इन्वाइट किया। सिस्टम कौन सा चलता था? तीन कटिया सिस्टम। ये सिस्टम क्या था? पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने टोटल लैंड के 3/20 पार्ट के ऊपर इंडिगो का कल्टीवेशन करें। गांधी जी पहुंचे, पीजेंट्स को यूनाइट किया। गांधी जी को सपोर्ट करने वाले लीडर्स के नाम क्या थे? राजेंद्र प्रसाद, मजर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेवी कृपलानी। सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने इंक्वायरी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया। इसके एक मेंबर खुद गांधी थे और अल्टीमेटली रिजल्ट ये आया कि तीन कटिया सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया और पीजेंट्स को 25% कंपनसेशन दिया गया। मतलब गांधी जी की जो स्टैंडिंग है वो एक तरीके से सॉलिड हुई, वो एक तरीके से और मजबूत हुई इंडिया में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करेगा और थोड़ा सा पुश कर देगा। और अगर इतनी देर आपने देख लिया तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लाइक तो कर ही दिया होगा, बिकॉज जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो चले जाते हैं पहले एक दो मिनट में। लेकिन अगर नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पर अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह हो गया, फिर अगले ही साल 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। और ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी। कहानी क्या है? अनुसुईया साराभाई जो कि एक सोशल वर्कर थी, जो कि मिल वर्कर्स को लीड कर रही थी, उनकी लड़ाई को लीड कर रही थी, उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा और उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी। उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप आओ इन मिल वर्कर्स की हेल्प करो, मिल वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किसने बुलाया? अनुसुईया साराभाई ने। अनुसुईया साराभाई जो है वो एक सोशल वर्कर थी और अंबाला साराभाई की बहन थी। अंबाला साराभाई जो कि मिल ओनर थे और अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1891 में। सिंपल दो चीज़ें याद रखो कि गांधी जी को किसने इन्वाइट किया इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में? अनुसुईया साराभाई ने। ये जो अनुसुईया साराभाई हैं ये किसकी बहन थी? अंबाला साराभाई की, जो कि अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। गांधी जी को जैसे ही लेटर मिला गांधी जी ने बोला कि हाँ मैं हेल्प करूँगा। और मार्च 1918 में गांधी जी पहुँच गए अहमदाबाद मिल वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, डिस्प्यूट था क्या, परेशानी क्या थी? परेशानी थी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस की। मिल ओनर्स कह रहे थे कि जो बोनस मिलता है, जो बोनस दिया जाता है उसको विड्रॉ किया जाएगा। मिल ओनर्स बात कर रहे थे बोनस को विड्रॉ करने की, और दूसरी तरफ वर्कर्स कह रहे थे कि हमारे वेजेस को इंक्रीज किया जाए बाय 50%, बिकॉज वॉर की वजह से इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई हो गई है। मतलब दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें। ओनर्स कह रहे हैं कि हम तो बोनस को भी विड्रॉ कर लेंगे और वर्कर्स कह रहे हैं कि हमारी तो सैलरी को भी 50% से इंक्रीज किया जाए। स्ट्राइक चल रही थी, ये जो मिल ओनर्स हैं ये 20% का हाइक देने को तैयार थे, मतलब सैलरी में 20% का इंक्रीज देने को तैयार थे, बट बात फिर भी बन नहीं रही थी। और ऐसे में गांधी जी पहुँचते हैं, गांधी जी मिल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको बोलते हैं कि अपन स्ट्राइक करेंगे लेकिन स्ट्राइक जो है हमारी वो नॉन वायलेंट रहेगी, कोई लड़ाई दंगा नहीं होगा। और गांधी जी ने एक चीज़ और बोली, वर्कर्स को बोला कि आप सैलरी में इंक्रीज डिमांड करो लेकिन 50% नहीं, कितना? 35%। और गांधी जी की यही खूबसूरती है, गांधी जी बड़े स्मार्टली दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ भी सिचुएशन क्या है कि वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं 50% का इंक्रीज, जो ओनर्स हैं मिल ओनर्स वो कह रहे हैं कि हम 20% का इंक्रीज आपको दे सकते हैं। 15% इधर से बढ़ा दिया, 15% इधर से घटा दिया, और कितना बोला वर्कर्स को कि आप 35% डिमांड करो। अब ये जो सरकार है इसको भी लगेगा कि यार 50% कम हो गया, 35 पे आ गए। और दूसरी तरफ सरकार को ये भी लगेगा कि यार 20% तो हम दे ही रहे थे, 15% और एक्स्ट्रा देना है, दे देते हैं। और जो वर्कर्स हैं उनको क्या लगेगा कि यार कुछ नहीं मिल रहा था, उससे अच्छा क्या है, 35% तो मिलेगा। तो गांधी जी ने बड़ा स्मार्टली, बड़ा सोच समझ के, इसको बोलते हैं समझ पॉलिटिक्स, गांधी जी ने बड़ा स्मार्टली एक तो वर्कर्स को बोला कि अपन स्ट्राइक करेंगे लेकिन नॉन वायलेंट स्ट्राइक करेंगे, और दूसरा बोला कि आप 50% इंक्रीज डिमांड मत करो, आप डिमांड करो कि आपकी सैलरी को 35% इंक्रीज कर दिया जाए। ये लड़ाई चलती रही लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। जब सरकार ने बातचीत नहीं सुनी तो गांधी जी ने बोला कि आई विल अंडरटेक फास्ट अनटू डेथ, कि मैं आमरण अनशन करूंगा। और ये उनका पहला हंगर स्ट्राइक था। गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे थे? ताकि ये जो वर्कर्स की लड़ाई है ये थोड़ी और मजबूत हो।
फाइनली मिल ओनर्स को झुकना पड़ा और मिल ओनर्स ने अग्री किया कि देखो हम एक ट्राइब्यूनल बना देते हैं, ट्राइब्यूनल पूरी सुनवाई करेगी और जो भी ट्राइब्यूनल डिसीजन लेगी उस डिसीजन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मिल ओनर्स तैयार हो गए ट्राइब्यूनल बनाने के लिए और वर्कर्स तैयार हो गए कि हम स्ट्राइक को विथड्रॉ कर लेंगे। फाइनली इस ट्राइब्यूनल ने सुनवाई करी और सुनवाई के बाद वर्कर्स को 35% वेज हाइक अवार्ड कर दिया गया, मतलब उनकी सैलरी को 35% से इंक्रीज कर दिया गया। जो गांधी जी चाह रहे थे वो हो गया। एक बार फिर से गांधी जी इस मूवमेंट में, इस सत्याग्रह में सक्सेसफुल रहे। इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो किसने इन्वाइट किया था, अनुसुईया साराभाई ने। दूसरा डिस्प्यूट क्या था, डिस्प्यूट था ओवर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस। अल्टीमेट रिजल्ट क्या था कि गांधी जी सक्सेसफुल रहे, गांधी जी जो रिजल्ट चाह रहे थे वो रिजल्ट मिल गया। 1918 में ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में खेड़ा सत्याग्रह हुआ और ये एक तरीके से गांधी जी का पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इंडिया में। कहानी क्या है, 1918 में ड्राउट आए, सूखा पड़ा और इसकी वजह से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो क्रॉप्स हैं वो फेल हो गए, मतलब फसल खराब हो गई। और उस टाइम पे एक रेवेन्यू कोड चलता था। रेवेन्यू कोड के तहत ये था कि अगर आपकी यील्ड नॉर्मल यील्ड से 1/4 कम रह जाती है, मतलब नॉर्मली जितनी आपका यील्ड होती है, जितना आपका प्रोडक्शन होता है उससे 1/4 कम रह जाता है तो सरकार आपको रेमिशन देगी, सरकार फार्मर्स को रेमिशन देगी, उनको कंपनसेशन देगी, पैसा देगी। फेलियर हो गया क्रॉप्स का, लेकिन उसके बावजूद जो अथॉरिटीज़ हैं वो कंपनसेशन देने को तैयार नहीं थे। गुजरात सभा थी एक पीजेंट्स की, उसने अथॉरिटीज़ को कहा कि 1919 का आपका जो रेवेन्यू असेसमेंट है जिसके बेसिस पे आप फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले हो उसको सस्पेंड किया जाए बिकॉज क्रॉप्स का फेलियर हो गया है, इसको कंसिडर करो। लेकिन अथॉरिटीज़ सुनवाई नहीं कर रहे थे, अथॉरिटीज़ जो हैं वो उल्टा टैक्स लगा रहे थे। अथॉरिटीज़ ये कह रहे थे कि या तो टैक्स दो, अगर टैक्स नहीं दोगे तो आपकी ज़मीनों को छीन लिया जाएगा, आपकी लैंड को छीन लिया जाएगा। और इसकी वजह से विवाद शुरू हो गया। गांधी जी पहुँचे, गांधी जी ने मदद करी और गांधी जी ने फार्मर्स को बोला कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। हालांकि गांधी जी इस मूवमेंट में एक तरीके से स्पिरिचुअल लीडर थे, एक तरीके से गाइडिंग लीडर थे। एक्चुअल में जो सारा काम कर रहे थे वो कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे अदर गांधीयंस जैसे नरहरि पारेख, जैसे मोहनलाल पांड्या, जैसे रविशंकर व्यास। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी लोग जो हैं वो गांव-गांव जा रहे थे, फार्मर्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, उनको बोल रहे थे कि आपको टैक्स पे नहीं करना है, उनको बोल रहे थे कि आपको नॉन वायलेंट तरीके से सरकार के साथ में कोऑपरेशन नहीं करना है, उनको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, उनको यूनाइट कर रहे थे। अल्टीमेटली जैसे जैसे पीजेंट्स यूनाइट होने लगे तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने अग्री किया कि 1919 का जो रेवेन्यू असेसमेंट है उसको सस्पेंड किया जा रहा है, मतलब 1919 में आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, अगले साल भी आप टैक्स नहीं दोगे। फिर इसके अलावा जो रेट इंक्रीज़ की गई थी उसको भी रिड्यूस किया गया और इस प्रोटेस्ट के दौरान जिन भी लोगों की प्रॉपर्टी को, लैंड को कॉन्फिस्केट किया गया था उसको भी रिटर्न किया गया। मतलब एक बार फिर से गांधी जी जो चाह रहे थे वो रिजल्ट निकला और गांधी जी की जो पोजीशन है, जो स्टैंडिंग है वो मजबूत हुई हमारे नेशनल मूवमेंट में, हमारे मासेस के बीच में। इन तीनों स्ट्रगल्स की वजह से एक तो गांधी जी मासेस तक पहुंच पाए, मासेस के बीच में अपनी स्टैंडिंग को क्रिएट कर पाए, मासेस का भरोसा गांधी जी के ऊपर डेवलप होने लगा। बिकॉज अब तक सरकार किसी भी चीज़ में नहीं झुक रही थी, एक आदमी आया उसने लगातार तीन चीज़ों में सरकार को झुकाया है तो मासेस गांधी जी के साथ में जुड़ने लगे। और दूसरा, गांधी जी की जो टेक्निक थी सत्याग्रह की उसकी एफिशिएंसी को गांधी जी डिमॉन्स्ट्रेट करने में सक्सेसफुल रहे। भाई तीन बार नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया गया और तीनों बार रिजल्ट मिला तो मासेस भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, इंडियंस भरोसा करेंगे गांधी जी पर या नहीं करेंगे। और यहाँ से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अब बड़े बड़े मूवमेंट्स को लॉन्च किया जाएगा, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।